భక్షక నర నర నర్తన बैठ चुपचाप। कांग्रेस, तुम सबको ले आए? सर, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मैंने बहुत मेहनत से इन्हें संभाला था। ये सब लोग बहुत ही खतरनाक जानवर हैं। इन कुत्तों को संभालना हमारे ही नसीब में लिखा था, क्या करें सर। एक बात कहूँ सर, सावधान रहिएगा। आई विल टेक केयर। थैंक यू सर, गुड लक, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। पांच साल तक तुम लोग ट्रायल पीरियड में थे, वो आज खत्म हो गया। अब तुम लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। तुम सब अब कैदी हो, तुम लोग साथ नहीं रह सकते। हम तुम लोगों को बी बैरिक में शिफ्ट करेंगे। खाना पीना और वहीं पर रहना। अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो कोर्ट में नहीं सीधे ऊपर जाओगे। इन लोगों को बी बैरिक में शिफ्ट करो। यस सर। यहाँ आए हो तो शांति से जिंदगी जी लो, समझे? साहब जी, हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। जितना पैसा चाहिए उतना देंगे। कहाँ देना है, कैसे देना है, कहाँ पहुँचाना है, सब चल। तुम्हारी तरह मुझे भी जेल की हवा खाने के लिए मजबूर मत करो। ए, अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा ना, गोली मार दूंगा। यहाँ रहना है तो शांति से रहना। अच्छा काम करोगे तो मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे, समझे? सुनो पाटिल, गेट खोलो। इन्हें बी बैरक में लॉक करके रिपोर्ट कर दे रहा। ठीक है सर। चल अंदर। जा रहा हूँ ना साहब, जा रहा हूँ। ए, चल जल्दी, चल। जा रहा हूँ साहब। बीड़ी दे दो मैडम। ए, चुप रहे, फालतू लड़की बात करने की तमीज नहीं? किससे क्या मांगना मालूम नहीं क्या तुझको? साली। ए, तू डी गैंग के क्या रे? हाँ, अभी तक इसकी इंक्वायरी हो रही थी, आज से सजा शुरू हो गई, इसीलिए इसे यहाँ लाया गया। हाँ हाँ, देख कैसे घूर रही है। अच्छी तरह से बैठ, डुल्ला बंद कर। गुड मॉर्निंग मैम। टेक दिस फाइल टू द प्रीवियस सेक्शन। ओके सर। ओह, मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। हाय अभिव्यक्ति, कांग्रेट्स। आपके लिखे आर्टिकल से असेंबली में अपोजिशन पार्टी के लोगों ने एकदम हंगामा कर दिया। सिट डाउन। सरकार अगर इक्वालिटी ना दे तो हम चुप कैसे रहेंगे सर? हज यात्रा के लिए फंड रिलीज करेंगे, काशी यात्रा के लिए नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? ये लोग सिर्फ एक कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं, दूसरे की परवाही नहीं करते। बस यही बात सामने लाने के लिए आर्टिकल लिखा था, बात सामने आ गई। यू आर राइट। संध्या, प्लीज सिट डाउन। या प्लीज। या प्लीज सर। ये हफ्ते में वो डी गैंग की फाइनल आर्टिकल तैयार हो रही है। थैंक गॉड, ये आखिरी आर्टिकल है। दैट्स गुड। आखिरी आर्टिकल कैसे हो सकता है संध्या? और लिखने के लिए क्या बाकी है मैडम? वो क्रिमिनल के बारे में है, पेपर में, अखबार में, न्यूज में, रोज देख के पक चुके हैं हम। ये साल तो ट्रायल था, कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दी है। हार्डकोर क्रिमिनल्स। वो क्रिमिनल्स है ये तुम्हारी सोच है, मुझे तो ये लोग निर्दोष लग रहे हैं। हम तो पब्लिक के लिए न्यूज और ओपिनियन दे सकते हैं, जस्टिस नहीं दे सकते। समाज के लिए, कानून के लिए ये लोग दोषी हो सकते हैं, पर मेरी राय ये है कि ये लोग निर्दोष हैं। आई थिंक We need to dig into it. अभी मैडम, it's over. इतने सालों के वाद विवाद से और रिसर्च से it's proved.
दे आर अ ब्लडी कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल टू द कोर्ट। ये तुम्हारी सोच है संध्या, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सोच सही हो। ओ, वो लोग इनोसेंट है आपकी नजर में, ऐसा आपको लगता है? ये सच है? शायद तुम ठीक कह रही हो, पर जो भी है हम ढूंढ लेंगे सर। डोंट वेस्ट योर टाइम, दीज पीपल आर नॉट फॉर सिंपथी। उन लोगों का साथ देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन आप क्यों साथ दे रहे हो अभी? एग्जैक्टली, यू रेज द पॉइंट, दिस इज द रीजन सर। इनके आगे पीछे कोई नहीं है, सो दे हैव बीन फ्रेम्ड। यू मीन टू से ऑल द विटनेसेस आर क्रिएटेड अभी? मे बी, सब क्रिएटेड हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये 80 केस में कितने गवाह मिले जानते हो सर? केवल 12 या 13। मैंने सही कहा ना संध्या मैडम? जब 80 कत्ल हो रहे थे तब पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था सर? अभी, आर यू सीरियस? ये केस तुम हैंडल करोगी? यस, इस केस में तुम जो नहीं जानती वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेट मी ट्राई, देर इज अ न्यू बिगिनिंग इन एवरी एंड, यू नो। अरे आइए मैडम, आइए बैठिए ना। क्राइम रिपोर्टर, आपकी दुकान में सारा माल चोरी का है, चोरों से माल खरीदते हैं आप। देखो सारा सामान डुप्लीकेट है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं। लोगों को क्यों फंसाते हो? स्मगलिंग भी करते हो? अरे मैडम, अरे क्या बोल रही है आप तो पूरी फिल्मी बातें कर रही है मैडम। ट्रेलर तो मैं बना चुकी हूँ, अब फिल्म बनाने का टाइम है मोहनलाल। सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। 6 साल पहले हुई रेड में पन्नालाल सेठ के साथ आपको भी अरेस्ट कर लिया गया था, याद है? ये क्या बोल रही है मैडम आप? ये आप बिल्कुल झूठ बोल रही है। हमें बेफालतू पुलिस क्यों उठा के ले जाएगी? हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अब आप जो भी बोल रही है हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है मैडम। आप यहाँ से निकल जाइए, निकल जाइए आप यहाँ से। मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है ना? समझ आएगी एक दिन। जब समझ आए तो इस नंबर पर फोन करना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये मिठाई किस खुशी में है? सर वो डी गैंग को फांसी की सजा मिली है ना सर, उसी खुशी में है। ओ हरीश सर, नॉर्मली एक अपराधी को अगर सजा मिले तो कोई भी पुलिस सेलिब्रेट नहीं करता, बट इस केस में अगर हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया तो गलत होगा, क्या कहते हो? लेकिन क्यों सर? ये क्रिमिनल लोग अंदर रहेंगे तो ही बाहर के लोग आराम से जिएंगे। हाँ सर। हेलो सर, यहाँ पे कोई प्रेस रिपोर्टर आई थी मुझसे मिलने के लिए। मुझे आप ही बचा सकते हो सर, आप ही बचा सकते हो सर, बचा लीजिए सर। हम पुलिस वालों के निशाने पे हमेशा ही रहते हैं, वो हमें मारना चाहते हैं। कुछ तो प्लान करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। बिना गलती किए इन लोगों ने हमें फांसी की सजा दे दी। यहाँ से हम आराम से भाग सकते हैं, यहाँ लोग भी बहुत कम हैं। ऊपर वाला क्या करेगा, हमें खुद को कुछ करना पड़ेगा। कोई भी आके हमें यहाँ बचाएगा नहीं, हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, नहीं तो सब मरेंगे। ये बात तो तुमने सही कही, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भागेंगे कैसे? जेल में अगर हम रहेंगे तो वो हमें मार देंगे, इसीलिए हमें
इस जेल के बाहर निकलना होगा। ये जो ऊपर तारे हैं उसमें करंट है, अगर हमने उसे छू लिया तो मरेंगे। सरकार तो हमें फांसी की सजा देने वाली है ना? तो हम यहाँ से भागेंगे। तेरी तो क्या रे कमीनो, तो तुम लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो? हाँ, इतना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए हम अपनी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकते। तुम्हारी जगह हमें जेल का कुली बन के रहना पड़ेगा। चलो ठीक है। हाय अभी। तो फिर तो वो डी गैंग के सीधे साधे बेचारे लोगों का रिसर्च कहाँ तक पहुंचा? आई नो नथिंग विल बी हैपन। 5 सालों से ये लोग कितने खतरनाक क्रिमिनल है मैं जानती हूँ। वो इनोसेंट है ये प्रूफ करने के लिए क्या बाकी है अभी? The less you know, the more you believe. इस केस में भी ऐसा ही है। हमें इसके बारे में जानना है, लेकिन थोड़ा गहराई से। कोई भी क्राइम प्रूफ करने के लिए सबसे मुख्य क्या होता है? Circumstantial evidence. This followed by fingerprints, weapons and DNA, जिसमें होता है sperm test, blood test and hair analyzation. इसमें से कोई भी मैच होना चाहिए, लेकिन हमें इस केस में कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो आई एविडेंस एंड ऑर्नामेंट मैचिंग। इन दोनों में क्या मिला? ये दोनों तो कभी भी किसी वक्त बदल सकते हैं। एज यू नो, अगर ये दोनों में से कोई भी झूठ निकले तो द होल केस इज ये तो मुझे भी पता है। वैसे तो सभी इस बात को जानते हैं। ये गैंग लोगों को अरेस्ट करने से पहले इन लोगों पर FIR फाइल करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए 45 दिन तक पुलिस स्टेशन छोड़ के दूसरी जगह इन्हें रखा गया। क्यों रखा गया, कहाँ रखा गया, इन लोगों ने क्या किया था, मैं ये सब अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ। आप मुझसे मिलने यहाँ मत आइए, नहीं तो यहाँ मेरी जान का खतरा है। पैसों की लालच में तुमने झूठ भी बोला होगा ना? मैडम, आपको क्या लगता है सिर्फ मोहनलाल को ही टॉर्चर किया गया? उनके साथ साथ मुझे भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। मैंने बहुत परेशानी सही है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर ये बात तुमने किसी और को बताया जान से मार डालूंगा। मैडम, पूछताछ के लिए मोहनलाल को लेकर गए थे, ये आपको कैसे पता? तुम्हारी तरह पैसे की लालच वाले दुनिया में बहुत मिल जाते हैं। जैसे टीवी वाले और रिपोर्टर्स, वो गैंग वाले हमारे गांव के हैं बोल के हमारे गांव का नाम बदनाम कर दिया है। हमारे गांव की लड़कियों से कोई दूसरे गांव का लड़का शादी नहीं कर रहा है। ये लोग यहाँ रहते थे तब ऐसा कुछ हुआ था क्या? इन लोगों के ऊपर चोरी के इल्जाम, कत्ल के इल्जाम, क्या आप इस बारे में जानते थे? देखिए, जब तक वो लड़के यहाँ पर थे ना उन्होंने चोरी की ना उन्होंने डकैती की, ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिशाचों ने हमारे घर पर नजर क्यों डाली? मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। सिर्फ एक नहीं मैडम, 4-5 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूट ली। 4-5 लोग थे, आपको कैसे पता? हमें तो कुछ भी पता नहीं मैडम। वो पापी लोग तो पुलिस वालों के साथ लेकर आए थे। इसी घर में मेरी बेटी को, इसी घर में हमारी आंखों के सामने उसकी इज्जत के चितड़े चितड़े कर दिया उन लोगों ने, और हम कुछ नहीं कर पाए। जब आप लोग घर पर नहीं थे और आपकी बेटी पर, मेरा मतलब जब आपकी बेटी पे अत्याचार हो रहा था, तो किसी पड़ोसी ने देखा था क्या? नहीं मैडम, हमने तो नहीं देखा था। उस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम में आप भी शामिल थे ना? हाँ जी, और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है।
बहुत अच्छी बात है सर, पर देखने और सुनने में बहुत फर्क होता है सर। क्या कहना चाहती हैं आप, कि वो लोग इनोसेंट हैं? हाँ, हो सकता है, सच सामने आए तो सब पता चलेगा। हम भी तो आपको यही बात समझा रहे हैं, छह साल से रहना सोना खाना पीना दिन रात इन लोगों के पीछे पड़े रहे और कानून की हिफाजत करने के लिए पकड़ कर कठोर सजा दिला दी। कानून की हिफाजत, गुड वर्ड। उन्हें अरेस्ट नहीं किया, उन पर FIR फाइल नहीं किया और कोर्ट में प्रोड्यूस भी नहीं किया, तो अनऑफिशियली उन लोगों को कहाँ रखा था सर? क्राइम रिपोर्टर, इस महीने की विजिटर लिस्ट को चेक करके फाइल करना। आई विल लुक आफ्टर सर। सर एक्सक्यूज मी। यस, थैंक यू सर। हाँ बैठिए। थैंक यू। अभिव्यक्ति? यस सर। मीडिया से? यू आर राइट। हाँ, आप किससे मिलना चाहती हो? नोटोरियस डी गैंग वालों से? वो नोटोरियस है या इनोसेंट है ये बात वक्त ही बताएगा सर। आप लोग मीडिया वाले हो, हम एक तरफ की सोचते हैं और आप दूसरी तरफ चले जाते हो। सुनो मैडम, 5 साल की मेहनत है, जब हमने उन्हें पकड़ा है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी है, और आप उन लोगों को बेचारा कह रही हैं? क्या करें सर, हमारा काम ही ऐसा है। हम इन्हें इस तरह खुला छोड़ दें तो आप वीरप्पन को भी बेचारा कहेंगे? समाज सेवा के नाम पर आप उन्हें अवार्ड दिला देंगे? कभी नहीं। जयराम सर, अगर आपने अपनी इतनी साल की सर्विस में किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दी होगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। परमिशन दे दिया, जाकर मिल लीजिए। थैंक यू। सुनो चंदा सर, इन्हें अंदर जाने दो। हेलो, ठीक है सर। ए चंदर। यस सर। मैडम को वापस बुलाओ। आपको बुलाया है, आइए। क्या हुआ सर? सॉरी मैडम, परमिशन कैंसिल हो गई। व्हाट? ऐसे कैसे कैंसिल ऑल ऑफ अ सडन? इमरजेंसी मैडम, समझने की कोशिश करिए, कैंसिल हो गई बस। हाँ सर बोलिए। अभिव्यक्ति नाम की रिपोर्टर डी गैंग से मिलने के लिए आई थी, सिक्योरिटी रीजन की वजह से विजिट कैंसिल हो गई। जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स वाले हमारे डिपार्टमेंट्स वालों को क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तो मीडिया वालों को बैन कर देना चाहिए। जाने दीजिए सर, ये सब हमारे लिए आम बात है। एनीवे थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। कोई इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टर डी गैंग से मिलने के लिए आई थी। अभिव्यक्ति इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की सीनियर रिपोर्टर है, अगर कोई भी बात हो तो वो खुद सीरियसली डील करती है। सर अभी वो डी गैंग को नहीं छोड़ेगी। वो केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत जोश में है। कल के रेप और मर्डर में आप किसी को बताना नहीं, इसे सीक्रेट ही रहने दो। आपको एक बात बताता हूँ सर, डी गैंग के संबंध में और सारे विटनेस के संबंध में वो सारे ऑफिसर्स को मिलती रहती है सर। एनी टाइम वो आपसे भी मिल सकती है सर, खास करके 41 लोगों की आपने जो इंक्वायरी की थी ये बात उसे भी पता चल गई है सर। वो इंक्वायरी करके ही छोड़ेगी सर, वो डेंजर है सर, आप जरा होशियार रहिए। तुम जल्दी उठ के तैयार रहना। दूसरे जेल में ले जाने का मतलब है कि तुम लोगों के सामने मौत खड़ी है, इसलिए वो लेकर जा रहे हैं। हेलो, बोलो क्या हुआ? वो लोग कैदी हैं, कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। सर आप नहीं समझ रहे, डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया है सर। ऑल ऑफ अ सडन इस जेल से उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि उन्हें जल्द ही फांसी पर लटकाएंगे सर। सर नो, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई नीड वन अपॉइंटमेंट सर, प्लीज। आई एम ऑलमोस्ट क्लोज टू इट सर, आई विल गेट ऑल द आंसर्स टू माय क्वेश्चंस सर, प्लीज। ओके ओके, बी कूल अभी, दिस टाइम डेफिनेटली आई विल अरेंज इट। आर यू श्योर सर? श्योर, प्लीज सर।
चलो चलो चलो। ये लोग कौन है? ए, क्या हो रहा है सर? खाने में बिरयानी मिलेगी? ए, चुप कर चुप कर। क्या सर आप भी? सुनो मेरे प्यारे कैदियों, न्यू बैरक जेल में तुम लोग रह रहे हो, यहाँ का किसी को पता नहीं। यहाँ का कानून मेरे हाथ में है। तुम लोग गेट के आगे नहीं जा सकते। यहीं खाओगे, यहीं पियोगे और यहीं बस अंदाज करोगे, समझ गए? अब अगर जाने अनजाने तुम लोग गेट के पास पहुंच गए तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी का टाइम खत्म। साहब, हाँ? ये आदमी पागल है क्या? अरे पागल नहीं हो तो जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें सुनना चाहिए, समझ गए क्या? तुम लोगों के सामने ये जो सीधा साधा इंसान नमाज पढ़ रहा है ना, ये बहुत शातिर है। ये मुसलमान है इसलिए नमाज पढ़ रहा है। इसने किया क्या साहब? अरे तुम लोगों ने तो सिर्फ 80 लोगों का ही कत्ल किया होगा। इसने 200 लोगों को एक साथ बम से उड़ा दिया। टेररिस्ट है ये, टेररिस्ट। अरे बाप रे, ये तुम जैसे राक्षसों का बाप है और तुम सब लोग इसके चेले। तुम सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हो। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जेल में सब राक्षस की टोली आई है। हे शिव, इन सब को क्यों हमारे पास भेजा है? ये तो हमारी बदनसीबी है। सुनो बेटा, ऊपर वाले के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। शांति शांति। अबे रसीले बुड्ढे, लड़कियों महिलाओं को अपने आश्रम में बुला करके उन्हें बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम में ले जाकर के उनके साथ योगा करता है, तो मुझे ऊपर वाले के बारे में बताएगा? एक लाख मारूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। बाबा बनता है बाबा। ए हट मैं पीछे। ए बंद करो, इन लोग पे नजर रखना। अरे तुम तो दिखने में बहुत भोली वाली दिखती हो, क्या तुमने 80 लोगों को मार डाला? तुम्हारा नाम क्या है? ए डक्कन, घूरती क्या है? आ? ए घुसा मारो तो थोपड़ा पटक जाएगा। ए बताना नाम क्या है, यहाँ कैसे आई? झूठा केस बनाकर हमें अंदर डाल दिया। हम लोग रोजी रोटी के लिए कुली का काम करते थे। हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसीलिए झूठे केस में फंसाया। ए, हाँ, हाँ। तेरी तो तेरे जैसा हरामी बहुत देखी। अंदर कोई माल वाल छुपा के रखा है क्या, ये देख रही थी? इसमें शर्माने की क्या बात है? यहाँ पे सारे महिलाएं हैं, यहाँ पे कोई मर्द नहीं है। यहाँ सब बाल बना के नहा के कपड़ा पहनते हैं। तेरे पास जो है ना वो भी हमारे पास है, समझी? मेरी सुंदरी, इन सब बातों में बहुत बड़ी खिलाड़ी है तू। अच्छा ये बता पगली, अपने पति का खून करके तू यहाँ जेल में सड़ रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तू ए, अरे बस कर कमीनी, तू किसी से कम है क्या? साली तुम भी तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। जायदाद के लिए अपनी बेटी को ही जहर देकर तुमने मार डाला, ज्ञान मत बांट। ए लोफर बदतमीज, थू, चुप हो जा कलमुही। अरे तुम तो खुद अपने गांव वालों को चुना लगाकर पैसा लूटी हो और यहाँ आकर शराफत की बातें करती हो। ए मेरे बारे में ज्यादा बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। दीदी आज तो हमें अंदर छोड़ेंगे ना? पिछली बार तो नहीं छोड़ा था, तुम्हें क्या लगता है? वो तो पता नहीं, लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। भाई साहब। ए कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है। हमें अंदर जाने दीजिए साहब। अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए। उन्होंने हमें बुलाया साहब, जाने दीजिए ना। आपको बुलाया है क्या? साहब ने हमें बुलाया था। हाँ जाने दीजिए ना साहब। जाने दीजिए। हाँ ठीक है, चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। चलो जाओ जाओ। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। बंद करो, चल दरवाजा बंद कर दे। जी सर। कुटी गैंग से मिलने के लिए बाहर 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। कौन? एक आदमी और 2 महिलाएं? हाँ सर। नहीं मिल सकते, वापस भेज दो। सर कितना भी बोलो उन्हें, वो लोग नाटक ही करते हैं। ठीक है, अंदर ले आओ उन्हें। नमस्कार साहब। नमस्ते साहब, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, हम वहाँ से आए हैं साहब। हमको हमारे घर वालों से मिलने नहीं दे रहे साहब। 3 हफ्ते से ये लोग हमें अंदर नहीं आने दे रहे हैं साहब, जब भी आते हैं हमें वापस भेज देते हैं। आज रहम कीजिए, हमें अपने घर वालों से मिला। तुम लोग उनसे मिलने के लिए परमिशन मांग रही हो? उन्हें आज ही बेलगाम जेल में शिफ्ट कर दिया है। कहाँ लेकर गए साहब? बेलगाम जेल।
साहब मजाक क्यों करते हो? वो लोग अगर अंदर नहीं है तो परमिशन क्यों देते हो साहब जी? मजाक करने के लिए तू मेरी पत्नी है क्या? आज सुबह सुबह उनको शिफ्ट किया गया है बेलगाम जेल में, वहीं पर उन्हें फांसी दी जाएगी। नहीं साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया साहब, उनको छोड़ दो। इन सबको बाहर निकालो, चलो इन्हें बाहर लेके जाओ, चलो यार छोड़ो, हटो हटो पीछे हटो, लेके जाओ उन्हें, चलो जल्दी लेके जाओ। हाँ, ये डी गैंग के ही लोग थे, रोज चले आते हैं तंग करने के लिए, ये तो आम बात है। मेम साहब पीने के लिए पानी दीजिए, गला सूख रहा है मेम साहब, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। एक मिनट रुको। कमिंग सर। सर, इस इंसिडेंट को हुए एक घंटा हो गया है। हस्बैंड अब्रॉड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पेरेंट्स आए हैं, घर से सभी वैल्यूएबल चीजें चोरी हो गई हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सर मुझे शक है कि गैंगरेप हुआ है। मीडिया को फोन किया था? नहीं सर, अभी तक बताया नहीं। मत बताना। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। चंद्रिका, पिछले बुधवार को तुम लोग कहाँ थे? कोर्ट गए थे साहब, वकील साहब ने आने के लिए कहा था, इसीलिए गए थे साहब। वहाँ कितने बजे गए थे और बीच में वहाँ से कहाँ गए थे? हम कहीं नहीं गए थे साहब, हम तो वकील साहब से मिलने के लिए गए थे, वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे, बस उसके बाद कहीं नहीं गए साहब। ऐसा है क्या? हाँ साहब। प्रताप सर, क्या ये लोग सही बोल रहे हैं, इसका तुम पता करो। ओके सर। तुम्हारे आदमी लोग जेल में हैं और तुम कहती हो कि तुम लोग कोर्ट में गए थे। ठीक है। कल से तुम सब यहाँ थाने में आके साइन करके बाद में कहीं जाओगे, समझ में आया? हाँ साहब। हाँ ओके, निकलो निकलो यहाँ से। मालूम है, यही है उमेश झा।
भाई साहब आपने बहुत रेप किए, कैसे किया हमें बताइए। हाँ भाई हम भी सुने, बहुत दिन हो चुके हैं भाई। भाई जरा सुनाइए ना। सुनाइए ना भाई, सुनाइए ना भाई, सुनाइए ना भाई, सुनाइए ना भाई। हाँ तो भाइयों, इस उमेश ने अब तक 36 बलात्कार किए हैं। ए कमीने, ए उमेश झा, तुमने जिस स्कूल में पढ़ाई की है ये वहाँ के प्रिंसिपल हैं। तुम नालायक लोग सिर्फ जिंदा लड़कियों का ही रेप करते हो, इसने तो मरी हुई महिलाओं के साथ भी रेप किया है, समझे? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक गैंग का है, धिक्कार है तुझ पर। दिन भर ऊपर वाले का नाम लेता रहता है और रेप की कहानियां सुनाता रहता है, नालायक। एक मारूंगा तेरा दिमाग हिल जाएगा पागल। ए वहां क्या कर रहे हो तुम लोग? ए जल्दी से अंदर जा, चल जा रही हूँ ना। हाँ अपने आप को बहुत शानी समझती है क्या? एक औरत होकर ऐसा करती हूँ? तेरे चिकने बदन को देखकर मेरा तो मूड बन गया। अरे ये तो बिचारी है, तुझे तो रात होती तो मूड आ जाता है, तुझे दूसरे कमरे में डालने के लिए बोला तो भी नहीं सुनते। अम्मा मैं तो कहाँ फंस गई, अच्छी नींद आ रही थी। अरे मुझे सोने दो, आजा आजा सो जा मेरे बाजू। हाय अभी सब। सुनो बहुत इन्फ्लुएंस है, तुम बेलगाम जेल जाकर के डी गैंग से मिल सकती हो, परमिशन ला दिया है। सच में? ये लो। आर यू हैप्पी? थैंक यू सो मच सर। ओके ना? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू। पता नहीं हमारा क्या होगा, ऊपर वाला पता नहीं हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है। कल प्रेस वाला आ रहा है, समझ में नहीं आ रहे क्यों आ रहा है। हमको तो सबकी नजर में कातिल बना दिया है। पुलिस वालों ने हमारी जिंदगी नरक बना दी है, और ऊपर से ये प्रेस वाले, ये हमें और दर्द देने आएंगे क्या? पता नहीं। ये तो हमारी कहानी छाप के पैसा कमाने का धंधा है। हाँ हम करें तो क्या करें, हम लोग गरीब है ना, इसलिए ये लोग हमारे साथ अपनी मनमानी करते हैं। हमारे गांव की लड़कियों से शादी करने के लिए कोई बाहर का लड़का तैयार नहीं हो रहा है, समझे? एक बार उस प्रेस वाले को आने दो, फिर हम उसे बताएंगे। सब अपना अपना फायदा उठाते हैं, नुकसान तो हमें ही सहना पड़ता है ना। देखते हैं कल। ला मुझे दे। क्राइम रिपोर्टर। मैंने आपसे कहा था ना सब पापी हैं, कहीं छुप के बैठे होंगे। ए कोटी, सूरज, नीरज, सब लोग कहाँ हो? यहाँ हो। सर सब आओ रे। मैडम इनकी गैंग में एक महिला भी है, ये भी उनके कारनामों में भागीदार है। ए नीचे बैठ जा। से आधा घंटा प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। आप बात करिए मैडम, मैं यहीं पर रहता हूँ। परमिशन लेते समय स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था सर। आप बात समझने की प्लीज समझने की कोशिश कीजिए।
ही मजाक उड़ाएगी तू? हमारी मौत के पहले तू हमसे मिलने के लिए आई है ना? पेपर में फोटो छाप कर हमारी मौत का मजा लेगी तू? मार डालो इसे। मैडम, मैंने पहले कहा था कि मैं आपके साथ यहीं पर रुकता हूँ, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। अरे ये लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। इंसान को मारकर उसका खून पीने वाले शैतान हैं ये लोग। आपको किसने बोला कि ये लोग बेचारे हैं? मैडम, ये लोग बेचारे नहीं हैं। आप इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? ये बात मेरे भेजे के अंदर तो घुस ही नहीं रही है। मैडम, आपने परमिशन क्यों ली? ए, खुद प्रधानमंत्री से परमिशन लेकर के तुमसे मिलने के लिए आई है, और तुम लोग उनकी गर्दन पकड़ कर उन्हें मार रहे थे। तुम लोग राक्षसों की औलाद हो। ए, सुनो पापियों, तुम लोग इनके साथ राक्षसों के जैसा बर्ताव कर रहे हो, हाँ? और ये तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई है, और तुम लोग इन्हें मारना चाहते हो? तुम्हें तो शमशान घाट में ले जा करके जिंदा जला देना चाहिए। तुम्हें तो लाठी से मार मार सर, करके सर, मत मारिए प्लीज। इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ओह, अगर कोई और इनकी जगह पर होते तो ऐसा ही बर्ताव करते। मैं जानती हूँ सर। सुनिए, मैं इन लोगों से मिलने के लिए बहुत मुश्किल से परमिशन लाई हूँ सर। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। जो सब इनके बारे में कहते हैं वो सच मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा यकीन कीजिए। मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, पेपर वालों की तरह हम आपको भी समझ गए थे, गलती हो गई, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो मजदूर हैं मैडम। इन लोगों ने गलत तरीके से हमें अंदर डाल दिया। 6 सालों से ये लोग पेपर में, टीवी में हमारे बारे में गलत सलत छापते रहते हैं मैडम। कहते हैं हम लोगों ने 80 खून किए। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया मैडम। आपको गलत समझ के आप पे हमला कर दिया हमने। इन लोगों से गलती हो गई मैडम, हमें क्षमा कर दीजिए मैडम। हमें यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज, बाहर निकालिए। हमने अपनी जिंदगी में पुलिस वालों से और प्रेस वालों से बहुत दर्द सहा है मैडम। हम अपना दर्द आपको कैसे समझाएंगे? मैडम, हम लोगों को माफ कर दीजिए मैडम। मैडम, अगर आप हमें न्याय दिलाएंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ बता दूंगा आपको, सब बता दूंगा। आप हमें न्याय दिलाएंगे ना मैडम? पुलिस वालों ने हमें मार मार के झूठ को सच में बदल दिया है मैडम। हम क्या करें मैडम? मैडम, पुलिस वाले यहाँ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं मैडम। हमें बचा लीजिए। सुनो, अभी तक तुम सबको किन किन लोगों ने धोखा दिया ये तो मैं नहीं जानती, पर घबराओ मत। मैंने आज तक जो भी सीखा है, कसम है उस विद्या की, आत्मशक्ति की, तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम्हारी केस के बारे में बहुत जान लिया है, पूछताछ भी कर रही हूं। तुम्हारे बारे में जो भी लोग कहते हैं या फिर ये पुलिस वाले जो भी कहने की कोशिश करते हैं कि तुम खूनी हो, रक्त पीने वाले शैतान हो, पर मैं इस बात को नहीं मानती। लोग चाहे जो भी कहे, मैं अपने सिद्धांतों पर अटल हूं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि सजा से आपको पूरी तरह से राहत मिले, लेकिन आप सब पे जो कलंक लगा है मैं उसे मिटा कर रहूंगी। लेकिन आप सबको सच बताना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना? सच्चाई जानना जरूरी है। अगर आप लोग सच बताओगे तो इसी सच्चाई के आधार पर आप सब लोगों का भविष्य निर्भर करता है। बताइए। हम लोग बहुत तकलीफ उठा के आए, हमने सारे काम किए, कूली का भी काम किया। 8 साल पहले अपने मन में बहुत चाहत लेकर हम लोग हमारा गांव छोड़कर बेंगलोर आए थे। हम अपना सारा सामान, कुत्ता, मुर्गी, सुअर सब लेकर शहर में पहुंच गए थे। हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं था। चल चल, पैर दुखने लग गए। मैं तो बहुत
ये जगह ठीक है, यही रख दो, नीचे चलो। तू क्या देख रहा है, चलना बांधना ऊपर से जल्दी, ठीक है ना? हाँ हाँ चल चल जल्दी कर। चल जल्दी यार। वो गांव, ये गांव, छुप छुप कर हम गांव से शहर आ गए हैं। अब यहाँ गांव हमें कितना साथ देगा हमें पता नहीं। एक काम कर, तेरा हैंडल चला, मुझे मुंह धोना है, चल। बहुत तकलीफ सही है भाई। हाँ सही बोल रहे हो भाई, मुझे तो लगता है कि जितना दुख दर्द हम लोगों ने सहे है ना, वो सारे दुख दर्द ये गांव हमारे भुला देगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ तुम सच कह रहे हो भाई, भगवान करे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाए। हो जाएगी यार। अरे बाप रे, अभी तक सो रही है। अरे सुन रहे, अरे चल काम पे जा रहा है, चल ना। मेरी तबीयत गड़बड़ है, मैं नहीं आ सकती, तुम चलो। अरे तेरी रात को सोती नहीं, दिन भर सोती रहती, चल हट। था अकेली कही की। ए, आज शाम को एक घंटा ज्यादा काम करो तुम लोग, पैसे ज्यादा मिलेंगे। अरे हम नहीं करेंगे, हमें जल्दी जाना है। ए, तुम लोग जिंदगी भर कूली बन के ही रहोगे, लेकिन मेरी तरह मिस्त्री कभी नहीं बन पाओगे, समझे? मैं दूसरे लोगों को काम पे बुला के लाता हूँ। कौन हो तुम लोग? नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। हम सब लोगों को काम चाहिए साहब। हाँ हम सब तकलीफ में है साहब। हाँ। अगर आप काम दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी हम पे। हाँ। दे दीजिए साहब काम। तुम लोग पहले काम किए हो क्या? जो भी काम दूंगा करोगे क्या? हाँ मनी इधर आ, इन सबको काम पे लगा दो। कुछ लोग उधर चले जाओ और बाकी मेरे साथ। हाँ चलो चलो जाओ। जल्दी खा लो, नहीं तो तुम लोग खाने में ज्यादा वक्त लगाते हो। जल्दी खा के काम पे लग जा। चलो बाहर कुछ स्पेशल खाना खा के आते हैं। बाहर स्पेशल खाना खाने जाएंगे ना तो ये लोग मुझे स्पेशल ट्रेन में गांव भेज देंगे, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। अरे दादा इन लोगों से पहले खाकर हम वापस आ जाएंगे, चलो आप आओ मेरे साथ। भूख तो लग रही है, क्या करे, चल चल खाना खा के आते हैं, लेकिन जल्दी वापस आना पड़ेगा। हाँ हाँ आ जाएगा। बहुत भूख लग रही है। खाना खाने वालों को इस तरह से मत देखो, नहीं तो भूख ज्यादा लगेगी। शाम को हम काम करने के बाद जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से खाना बना के खाएंगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। जिंदगी भर हम लोग मेहनत ही करते रहेंगे, खाना कब नसीब होगा? लो पी लो। चलो बाहर जाके देखते कुछ खाने के लिए मिल जाए। चलो मुझे बहुत भूख लग रही है, हम सबको खाना कैसे मिलेगा? मैडम हमें कुछ काम दे दो, उसके बदले खाना दे दो, पैसा नहीं चाहिए। चलो चलो यहाँ कोई काम वाम नहीं है, रोज के रोज आ जाते हैं, चलो भागो यहाँ से। मैम सब वो चलो काम काज किया करो, भीख मांगने आ जाते हैं। काम दो। हाँ नहीं तो दिन खराब। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैडम बाहर आइए मैम साहब। कौन हो तुम लोग? बहुत भूख लगी है मैम साहब, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? हमें बहुत भूख लगी है, खाना खा के 3 दिन हो गए। ठीक है, जो बाहर का कार है वो साफ कर दो। ठीक है। हाँ हाँ मैडम। और हाँ गार्डन भी क्लीन करो। हाँ हाँ। मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। ए, पागल कहीं का, लाइन से डाला, काम ठीक से करो। ए मनी। हाँ भाई। बाहर खाना खाने के लिए जो गए थे वो अभी तक आए क्यों नहीं? ये लो आ गए। ए, खाने का टाइम खत्म हुए, आधा घंटा हो गए, तुम लोग काम धाम छोड़ के कहाँ चले गए थे? साहब आज के दिन हमें माफ कर दीजिए, हमने खाना नहीं लाया था, खाने के लिए हम थोड़ा दूर गए थे इसलिए देर हो गई। आप लोगों ने हमें काम दिया, एहसान है आपका,
लेकिन हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था ना, तो हम लोग बाहर से भीख मांग के कुछ खा के आए साहब। ठीक है तुम लोग जल्दी जाके काम शुरू करो, तुम लोगों की बदनसीबी है कि भीख मांग के खाना खा रहे हो। चलो जाओ। सर एक बंगले में रेप और मर्डर हुआ है सर, हम स्पॉट पे हैं। मोहन सर, 3 दिन में ये दूसरा इंसिडेंट है। यस सर। चलो चलो है, चलो 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 चलो, लाइन में खड़े रहो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मुझे तो कुछ नहीं पता, पुलिस भी आई है। चलो 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 चलो, साइड में खड़े रहो। भाई हमारे यहाँ से जाने के बाद कुछ हुआ क्या? भाई क्या हुआ है यहाँ पे? एक लेडी का यहाँ मर्डर हुआ है, जिसका सोना चांदी रुपया पैसा सब लूट कर ले गए हैं वो लोग। हे भगवान। सर ये क्राइम टीम स्निफर डॉग और अपना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सबको इमीडिएट इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। इस मर्डर को देखते हुए शहर में जितने भी मर्डर हुए हैं सब एक जैसे हैं। जी सर। गॉट इट? बिल्कुल। हाँ दोपहर में ये घरवाले ने हमें खाना दिया था, लेकिन अभी वो ए साहब इधर आ। क्या नाम है तेरा? हम कौन है साहब? क्या काम करता है? नंदू कुली साहब, मैं यहीं पास में काम करता हूँ साहब। जब तुम लोग खाना खा रहे थे उस समय यहाँ कोई आया था क्या? नहीं आया था साहब, हमारा काम खत्म होने के बाद हमें खाना खिलाया था साहब। कब तक थे तुम लोग? 1:30 बजे से 1:45 बजे तक साहब। प्रताप सर ये मर्डर कितने बजे हुआ था? 2 से 2:30 बजे हुई थी सर। अच्छा ए, खाना खा के तुम लोग कहाँ गए थे? खाना खाने के बाद हम लोग साइट पे चले गए थे साहब। याद करो जब तुम लोग खाना खा रहे थे शायद उस समय कोई घर पे आया होगा। नहीं साहब कोई नहीं आया था। और कुछ पूछना है साहब? ठीक है जा। प्रताप सर 1 घंटे में आता हूँ, तब तक तुम सारा काम खत्म करो। ठीक है सर। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है सर। क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है? सेल्फ गया क्या? जी सर। ये है डिपार्टमेंट की हालत, बड़े बड़े केस सॉल्व करेंगे लेकिन गाड़ी की हालत ऐसे ही रहेगी। ए, हाँ। इधर आओ, गाड़ी को धक्का दो। चल चल चल, साहब बुला रहे हैं। गाड़ी को धक्का लगा। हाँ। क्लच दबाओ। जी सर। लगा लगा, जोर लगा। जोर से लगाओ। हाँ क्लच छोड़ो। जी सर। हाँ ठीक है सर, चलो स्टार्ट हो गया। अच्छा हुआ। हाँ साहब। अरे मेरी थैली में वो पैसा रखा था, कहाँ गया? मुझे क्या पता कौन ले गया। अरे तू ही ले। अरे मैंने लिया, इसे लगता मैंने लिया। मैंने नहीं लिया। क्या हुआ? अरे इसने कहीं पे पैसा खर्चा कर दिया होगा, मेरा नाम ले रही है। ए सुनो, तुमने इस सुअर को बांध के क्यों रखा है? इसे खोल के रखोगे तो इधर उधर घूमेगा, बांध के रख के क्या फायदा? चल हट। कुछ भी करके उसको पटाना जरूरी है। क्या हो रहा है? क्या रे, पानी लाने में इतना वक्त क्यों लगा? मुश्किल से मिला है। क्या हो गया इसे? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। लो ऐसे रहेगा तो खुश रहेगा क्या? इसको खुला छोड़ दो। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो ना इसको। इसे बांध के क्यों रखा है? अरे इसे बांध के रखोगे तो ये सुस्ती रहेगा ना। इसे खुला छोड़ोगे तो ये खेलेगा, इसकी तबीयत सही रहेगी और माँ से मिलेगा तो खुश हो जाएगा ये। छोड़ दें,
तुम्हारी बात मानकर अगर छोड़ दें और वापस नहीं आएगा तो क्या करोगे? अरे ये पागल, हमने खाना खा लिया है, इसने खाना नहीं खाया इसलिए बीमार है ये। अरे छोड़ दो यार, जाओ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो उसे, तुम्हें इसे ले जाकर कहीं छोड़कर आ जाते हैं। ए छोटे, अरे तुम हमको कहाँ कहाँ घुमा रहे हो? हाँ, तुम हमको यहाँ पर क्यों लेकर आया है? क्या काम है यहाँ पर? हम लोग को सीधा घर जाना चाहिए। ए, इधर आ। हाँ साहब। इधर आ, इधर आ। हाँ साहब। क्या बात है? इस वक्त तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हम लोग फिल्म देख कर आ रहे हैं। फिल्म देख के आ रहे हो? इस तरफ कहाँ जा रहे हो? अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। टिकट दिखाना। कहाँ रहे टिकट? कहाँ है टिकट? फिल्म देखने गए होते तो टिकट दिखाओगे ना? हाँ। ए, बिठा गाड़ी में। ये देखिए, ये देखिए। दोनों को बिठा। ये रहा मेरे पास टिकट। पहले दिखाते तो क्या होता? चल गाड़ी में बैठ। गाड़ी में, तुम लोगों को गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अंदर चल। ए, अरे बैठो, चले जाएंगे पैदल। चल बैठ अंदर। ए, बैठ। चलो। ए छोकरे साहब, कितने सालों से यहाँ रहते हो? एक महीने से साहब। कौन लाया था तुम्हें? काम जहाँ मिलेगा हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं साहब, हमारे पास काम नहीं था, हम यहाँ रुक गए साहब। कोई यहाँ पहचान वाला है क्या? नहीं कोई नहीं। तुम लोग कितने लोग रहते हो? सर हमारे साथ कृष्णा, शिवानी, मोना और टोटल कितने लोग रहते हो? कुल मिला के 13 लोग रहते हैं साहब हम सब। साहब रुको ना। ए, गाड़ी रुको। ओके सर। ये लो साहब, नहीं चाहिए। ए, ले लो। धन्यवाद साहब। उठ जा। ए, देख बुड्ढा आ रहा है। आने में इतनी देर क्यों हो गई? हाँ अरे अभी तो और देर हो जाता। हाँ। पर उस पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी में हम यहाँ छोड़ दिया। पुलिस वाला? क्यों, क्या हुआ? अरे रे, वो पिक्चर देखने गए थे ना, रास्ते में रोक लिया पुलिस ने, बोले पिक्चर का टिकट दिखाओ। मुझे याद नहीं था, उन्होंने हम दोनों को रास्ते में मारना शुरू कर दिया। बाद में मुझे याद आया, अरे टिकट तो मेरी जेब में ही है, दिखा दिया। अरे बुड्ढे को क्यों मार खिलाया? तू खाता तो चल जाता था। अरे ये पुलिस वाले हम गरीबों को चोर समझते और पैसे लूटते हैं। मैं बहुत चालाक हूँ। उस पुलिस वाले ने हमको 100 रुपया दिया और उस पैसे से मैं ये लेकर आया हूँ, ये देखो। हम जैसे सड़क पे रहने वाले लोगों के साथ कोई मेहरबानी नहीं करता, कोई हमारी मदद भी नहीं करता है, इतना ही नहीं कोई पानी भी नहीं देता हमें। उस बेचारी ने हमें रहम खाकर हम सब लोगों को खाना खिलाया था और पता नहीं किस शैतान ने उसकी जान ले ली। ये तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है ना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आराम से पट्टी लगा, पट्टी लगा, पट्टी लगा, शांत हो। सर, इन्हें किसी ने अंदर कत्ल किया है और लाशें बाहर लाकर डाल दी हैं। फोटो
फोटोग्राफर इनकी फोटो ठीक से खींचो। ओके सर। फेस परफेक्टली आना चाहिए। ओके सर। पता चलनी चाहिए फेस। ठीक है सर। हाँ एविडेंस को कलेक्ट करके बॉडी को इमीडिएट पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। ए, क्या कर रहे? अरे इधर से ठीक से लो ना। मोहन सर, फॉर्मेलिटीज फिनिश करके स्टेशन पे आ जाना। ओके सर। उस आदमी को और उस औरत को इसने खत्म कर दिया। ए, ए, क्यों कर रहा है? अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो थोड़ा पानी पी ले। अरे ये तो सही नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो कर रहे। क्या कर रहा है? अबे उधर जा। चुप रहो यार, सुबह से हो नहीं रही है यार। बड़ा सुन, रेडियो लेके बैठेगा तो कुछ नहीं होगा, समझा? मसाले का खा, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे बहुत तकलीफ हो रही है यार। ए जरा सा जोर लगा के सब निकल जाएगा। ओ, यहाँ प्रेशर मत निकाल देना। अरे मुख्यमंत्री जैसा प्रेशर देगा। मुख्यमंत्री? तुम लोग हमेशा मजाक करते हो, तुम लोग को मजाक की सूझती है, बताओ मैं क्या करूँ। अरे ऐसा नहीं, जोर से प्रेशर देना होगा तो हो जाएगा। अरे हाँ, अबे अबे अरे सर, प्रेशर निकल ले, निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल 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 यहाँ से, निकल। उषा, उषा, उषा। अरे इसे दर्द हो रहा है। उषा उषा उठे। अरे तू चुप रहे ना, चुप रहे। मैं तो उषा को उठा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। मैं करता हूँ, मैं जाके आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, मैं आता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। भाग यहाँ से, जा। ए, क्या है? भीख मांगने के लिए सीधा अंदर आ गया? ए, निकल यहाँ से। अरे नहीं, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो ये बेचने आया हूँ। दिखा। हाँ। तुम इसे बेचने के लिए आए हो क्या? हाँ। तुमने कहाँ से चुराया इसे? मैं चुराया नहीं है, ये तो मेरी है। ए, शकल देख अपनी, तेरे पास अंगूठी होती तो तू यहाँ पर नहीं आता। बता कहाँ से चुराया इसे? ये मुझे मंदिर में से मिली, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये मंदिर में से मिली। ये मंदिर में मिली थी तुझे? हाँ साहब। कितने रुपए चाहिए? आप सोच समझ के दे दीजिए ना साहब। 200 रुपए दूंगा, चलेगा क्या? हाँ दे दीजिए साहब, दे दीजिए। सर सर, मैं आपको फोन करने जा रहा था, ये अंगूठी लेकर के आया, बोला कि मुझे मंदिर के पास से मिली है। ये देखिए सर, ये इसे बेचना चाह रहा था, ये चोर है, चले जाइए सर। चोर नहीं साहब, मुझे मत ले जाइए साहब, मैं चोर नहीं हूँ। चल अंदर साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ साहब, छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए साहब। गुड मॉर्निंग सर। मनमोहन। गुड मॉर्निंग सर। एनी इन्फॉर्मेशन? सर मैंने सभी दुकानों में पूछताछ की थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर, वो एक मामूली लेबर है, वो चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन इसका चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है सर। उस दिन रात में जब हम लोग पेट्रोलिंग पे सड़क पे खड़े थे, वो लोग फिल्म देख के आ रहे थे। ओके सर। उनमें से ये एक है। ओके, वो फाइल अच्छी तरह से चेक करो। जी सर। Thank you.
गुड मॉर्निंग सर। सर सर ए, चल इधर आ। सर मुझे मंदिर साथ मैंने चोरी की। मुझे इसे कहां से चोरी किया और तुम्हारे साथ कौन कौन है और बाकी सोना कहां छुपा के रखा है जल्दी बता। साथ साथ मैंने चोरी नहीं की, ये मुझे सड़क पे से पड़ी मिली थी, तो मैंने चोरी नहीं की। चोरी करके हर चोर अपने आप को बेगुनाह ही समझता है, ये हम जानते हैं। सच बता दे तो तू बच जाएगा। अब बोल। मैंने चोरी नहीं की सर, अंगूठी मुझे सड़क से मिली थी सर। ये बेचारी दर्द से तड़प रही है, काम कर करके इसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। हमें किसी भी हालत में इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। कहाँ हो, तीन दिन से दिखाई नहीं दे रही हो। उसे पैर में बहुत चोट लगी है साहब, वो दर्द से तड़प रही है और तेज बुखार भी चढ़ा है उसको। टिटनेस का इंजेक्शन दिया था। वो क्या होता है साहब? अरे कैसे जाहिल हो तुम लोग, टिटनेस का इंजेक्शन नहीं जानती हो? इतना बड़ा कीला पैर में घुस जाने से पैर खराब हो जाएगा, समझ गई? हाँ डॉक्टर के पास जाने को बोला था, उसके पास जाओ, वो दवा इंजेक्शन दे देंगे। जल्दी लेकर जाना, पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, उनसे मेरा नाम कहना। जा जा जा। इंजेक्शन दे देगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बुखार भी उतर जाएगा। हे भगवान, हमारा सब सामान कहाँ है? अरे, क्या हुआ? सुअर भी वहाँ नहीं है। कोटी, 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 कहाँ मर गया ये? क्या? आज अगर हमारे पास पैसा होता तो वो हमारे बीच होते। अब हमें काम नहीं, धीरे धीरे हमारी सब दुख कष्ट सब कुछ खत्म हो रही थी। ऊपर वाला का खेल देखो, हमारे साथ ही सब ऐसा होता है। जब सब कुछ ठीक हो रहा था तब उसको उसको ही क्यों लेके गए ऊपर वाले? प्रज्ञा के इलाज के लिए हमारे पास पैसे ना होने की वजह से वो मर गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है, हम जैसे गरीबों के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, यही सोचकर वो मर गई। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जीने का कोई कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
हाँ ए पानी दे एकदम बंद इतनी देर से पानी मांग रहा है पानी क्यों नहीं देते दो साहब क्या है आप हमें खाना खिलाते हो बाद में हमें मारते हो हमारी क्या गलती है हमें छोड़ दो आप क्या छोड़ते हैं हमें छोड़ दो साहब हमने आपका क्या बिगाड़ा है साहब हम कुली का काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं साहब साहब हमें यहाँ क्यों लाए और हम पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं हमने क्या किया है साहब हमें छोड़ दीजिए साहब यह हमारा कोई जानने वाला रिश्तेदार कोई भी नहीं है साहब हमारा शहर गांव छोड़कर हम यहाँ काम के लिए आए हमने कौन सी गलती कर दी साहब जो आप हमें मार रहे हो साहब हमारे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है साहब हमें छोड़ दो साहब छोड़ दो हमें साहब साहब हम अपना पेट भरने के लिए कुली का काम करते हैं साहब हम भीख मांग सकते हैं साहब मगर चोरी नहीं करेंगे साहब हमें छोड़ दीजिए अच्छा ए हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है साहब हम जो कह रहे हैं हमारी बात सुनिए साहब साहब हमने कोई गुनाह नहीं किया तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है एक बात मेरी मानोगे तुम मानेंगे साहब बहुत अच्छे इंसान है आप हम मानेंगे आपकी बात क्यों आप लोग फालतू में मार खा रहे हो वो जो बोल रहे हैं वो मान जाओ ना जब हमने चोरी की ही नहीं है कबूल करो बोल रहे हैं क्यों कबूल करें आप बताइए साहब दूसरे ने किया गलती वो सब हम पर डाल रहे हैं हम गांव छोड़ कर आए काम के लिए हम चोर नहीं है साहब हमें फालतू में फंसाया जा रहा है हम गरीब हैं इसलिए हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है मदद करो साहब साहब अगर हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो वो हम सबको जान से मार डालेंगे साहब हमने कुछ नहीं किया साहब फिर भी हमें मार रहे हैं हम सबको मार डालो साहब साहब मार डालो साहब दूसरों का गुनाह हम पर डाल रहे हैं और हमको सजा दे रहे हैं ये कौन सा न्याय है साहब ये कौन सा न्याय है ये न्याय हम चोर है पता चला तो लोग हमें जीने नहीं देंगे हमें चोर चोर कहने से अच्छा है हमें खत्म कर दीजिए साहब हमें हमें जान से बड़ा मान और इज्जत है साहब हमें मार डालिए साहब हमें मार डालिए साहब हम लोग जीना नहीं चाहते हैं साहब हमें मार डालिए साहब हमें मार डालिए जल्दी से हमें मार डालिए साहब ओ साहब आप ही बचा सकते हो कुछ तो कीजिए साहब साहब सर नमस्कार सर क्या है सर मैं 10 दिनों से इन लोगों को देख रहा हूँ सर सर कोई दूसरा होता तो इतने टॉर्चर के बाद मान जाता मैंने भी इन्हें 4-5 दिनों से खाना नहीं दिया लेकिन किसी ने खाना मांगा नहीं सर मुझे इनसे बात करने से पता चला सर उन्हें अपने मरने से ज्यादा मान और गौरव की चिंता है आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो वो नहीं मानेंगे
तुम्हें जो बताना था बता दिया, अब जाओ। एक रिक्वेस्ट है सर। क्या है? ये बहुत अच्छे लोग हैं सर, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। ए, जाओ। ठीक है सर। सर ओके सर, जस्ट 24 आवर्स, मना लूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब दिखाता हूं मैं तुम्हें। चल, रुक। कहां भागती है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दूंगा। इतने दिन से बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, आज मैं तुझे। अब जो कहेंगे सुनेंगे सब, ऐसा मत कर, छोड़ दो सब, छोड़ दो सर, अब जो कहेंगे सब सुनेंगे सब, अपने हाथ जो कहेंगे सब मत मानेंगे सब, आप छोड़ दो सब, मानने को तैयार है सब, सब कुछ छोड़ दो सब, ऐसा मत करो सब, सब मत करो सब, चौक मेरी बात मानोगे? हाँ साहब। तुम लोग ठीक है सर, ठीक है, मान लेंगे। हाँ साहब मानेंगे। राक्षसा नर राक्षसा, एक इंसान को जानवर बनने के लिए तुम अकेले ही काफी हो।